दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में आपका फिर से। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक कैसे कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आप डीबीटी लिंक करने जाते हैं वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो वहां पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर आप डीबीटी सही तरीके से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और फिर लिंक नहीं हो पाता है। क्योंकि डीबीटी जब आप लिंक करते हैं तो 24 घंटे अंडर प्रोसेस रहता है, 24 घंटे में ही कंफर्म हो पाता है डीबीटी लिंक हुआ है या नहीं। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, आप मान लिया कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक मित्र है और आपके पास कोई कस्टमर आया डीबीटी लिंक करवाने और आपको अच्छे तरीके से इसकी जानकारी नहीं है, तो आपने लिंक भी कर दिया उल्टा सीधा और उसका काम नहीं हुआ, तो वो फिर से दौड़ के आपके पास आएगा, तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इससे आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप डीबीटी लिंक कर पाएंगे सही तरीके से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से हम आपको बता देते हैं और समझा देते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले वो ऑप्शन ही आपको बता देते हैं और समझा देते हैं, उसके बाद में पूरा फुल प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जब आप डीबीटी लिंक करने के लिए जाते हैं वहां पे आपको चार और पांच ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपको अगर आपका कस्टमर अदर बैंक से ऑलरेडी डीबीटी लिंक है किसी दूसरे बैंक से, तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इससे आपको दूसरा वाला बैंक हटके आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा, यानी कि जो सरकारी जितनी भी पैसा आने वाला है वो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंक में आने लगेगा अदर बैंक से हटके। और दूसरा ऑप्शन आपका फर्स्ट टाइम लिंकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन है आपका या नहीं है, या आप ओपन करवा रहे हैं और किसी भी बैंक में आपका डीबीटी लिंक नहीं है, तो फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में आपकी सब्सिडीज आने लगेंगी, सरकारी पैसा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में आने लगेगा। तो तीसरा ऑप्शन है डी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डीबीटी पहले से लिंक है और आप उसको डी लिंक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन काम करेगा। और चौथा ऑप्शन आपका अदर बैंक अकाउंट लिंक्ड, यानी कि अगर कोई अदर बैंक आप लिंक करना चाहते हैं डीबीटी के साथ, तो आप ये ऑप्शन क्लिक करके आप इससे अदर बैंक का भी डीबीटी लिंक कर सकते हैं, ये है इसके लिए ऑप्शन। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है नो बैंक अकाउंट लिंकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बैंक में आपका डीबीटी लिंक है और सभी से आप अपना डीबीटी लिंक एनपीसीआई डीबीटी लिंक रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन काम करेगा, नो बैंक अकाउंट लिंकिंग वाला। तो दोस्तों आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए हैं कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि डीबीटी जो एनपीसीआई डीबीटी लिंक है ये, इसका कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं बची होगी। तो दोस्तों अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लिंक कर सकते हैं। इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने मित्रा ऐप को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है लॉगिन वी आई ए एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी मित्र आईडी लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना लापू नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे लापू नंबर, यहाँ पे अपना लापू नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने लगा है। अब ये मित्र आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है लिंक और डी लिंक आधार फॉर डीबीटी, तो यहाँ पे इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी पहले से लिंक है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर क्लिक कर देंगे। अगर कहीं पर भी कोई डीबीटी लिंक नहीं है तो फर्स्ट टाइम लिंकिंग पे क्लिक करके आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ डीबीटी लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक है, तो इसलिए अब हमको एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ लिंक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालिए हैं, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू चेक योर करेंट डीबीटी लिंकिंग स्टेटस, यानी कि अगर आप पहले से इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यस और नो में आप बता सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे पहले का स्टेटस नहीं देखना है, तो इसलिए नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको चेक करना है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
चेक कर सकते हैं। तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है प्रोसीड विदाउट चेकिंग डीबीटी स्टेटस, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे बैंक पूछ रहा है लास्ट लिंक्ड बैंक नेम, यानी कि इसके पहले किस बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक था वो यहाँ पे कस्टमर से पूछ के आपको डाल देना है। तो अभी हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी बैंक आ गई हैं, तो हम अपना बैंक यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। तो हमारा ये बैंक ऑफ इंडिया था, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया हम सर्च कर ले रहे हैं। तो ये हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पूछ रहा है, तो इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर बायोमेट्रिक यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों जैसे आप फिंगरप्रिंट लेंगे आपकी मित्रा का यहाँ पे एम पिन पूछेगा, तो एम पिन यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपना एम पिन एंटर कर देते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया है लिंकिंग रिक्वेस्ट, वी हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रिक्वेस्ट टू NPCI फॉर लिंकिंग आधार विद कस्टमर्स एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, वी विल शेयर ऑन एन अपडेट ऑन आधार लिंकिंग स्टेटस विद इन 24 आवर्स VIA SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो गाइज एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ये लिंक हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों यही जानकारी थी, आई होप आप समझ गए होंगे कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आप DBT लिंक कैसे कर सकते हैं। हालांकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहले ही शेयर कर दिए थे कि सारी कैटेगरीज के बारे में, कि कौन सी कैटेगरी के माध्यम से आप कौन सा DBT लिंक कर सकते हैं, और आपको लाइव भी दिखा दिए हैं कि आपको DBT लिंक करने का प्रोसेस क्या है, वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको किस हद तक आपको पसंद आई है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करें, और साथ ही साथ आप उसी प्रोसेस में जान सकते हैं कि जो आपका DBT लिंक है उसी प्रोसेस में कहां से लिंक होगा, उसके लिए दूसरा वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो यहां पे चल रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।